Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all fine and safe at your home. So dear students, let's continue our chapter, that is body fluid and circulation. And today we will discuss about ECG. This is the most interesting topic of this chapter, ECG. What do you mean by ECG? ECG means electrocardiograph. Electrocardiograph. So this, what is the importance of this instrument and how it functions? Electrocardiograph, or we can say electrocardiogram also, this is used to monitor the heartbeat during cardiac cycle. इसका मतलब होता है कि जब cardiac cycle होता है, जैसे आपको पता है जो cardiac cycle होता है, contraction and expansion होता है, एक मिनट में heart 72 times beat करता है, तो इस heartbeat को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इस मशीन का यूज होता है। एक इंटरेस्टिंग सा बात बताती हूँ, आपने टीवी सीरियल वगैरह या पिक्चर वगैरह देखा होगा, जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या फिर हार्ट अटैक आता है, उसको ले जाते हैं और एक मशीन होती है जिसमें पीप पीप करके साउंड होता है, ऐसा करके ऐसे 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 करके ऐसे होता है, तो ये काउंट किया जाता है। डॉक्टर क्या करता है, घड़ी देख के इसको काउंट करता है कि एक मिनट में ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर है वो कितनी बार आया, 20 बार आया, 25 बार आया, या फिर डिक्रीज हो रहा है, पहले 40 था, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर लास्ट में क्या होता है, ऐसे खून करके एक लंबी सी लाइन पीप करके एक लंबी सी लाइन चला जाता है, तो इसका मतलब हार्ट तब फंक्शन करना कंप्लीट बंद कर दिया। तो सिंपली अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये जो ECG है, इसका ये कैसे फंक्शन करता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो ECG और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और दिस कैन, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्रिएटेड इन द कार्डियक मसल्स यूजिंग, वी कैन से दिस मशीन, और दिस इज the electrical potential difference produced by the electrical potential difference produced by the muscles of heart. Muscles of heart means cardiac muscles, so the muscles of हार्ट और एज फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब है कितनी बार, सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ये है हमारी हार्ट बीट कितनी बार होती है जब हमें नॉर्मली, जनरली डॉक्टर क्या करता है, जो वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उनको पकड़ के काउंट करता है, पर जब तब पता नहीं चलता, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट और इस डिवाइस का यूज किया जाता है। इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं और काउंट करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक मिनट में कितनी बार हो रहा है, 72 टाइम्स होना है। अगर इससे डिक्रीज हो रहा है वो हार्ट बीट, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो वो काउंट करने के बाद उसी हिसाब से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्लियर? सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आई हैव टोल्ड यू दिस इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द हार्ट फंक्शन, सो यू कैन राइट द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ हार्ट फंक्शन, मींस वेदर द हार्ट इज प्रॉपरली फंक्शनिंग और नॉट, टू मॉनिटर दिस इट इज used. So the patient is connected by the electrical leads. You have seen in TV serials. Again, I am telling you that a clip-like structure is put in the fingers and in the heart region. Another device is connected and that is connected to the monitor, and in the monitor we can see the graph. Now let's see how is the graph look like. This graph will be look like this, clear? This graph will be look like this. So what is the meaning of this graph and which point
points represent the excitation and or we can say the depolarization and repolarization of the atria and ventricles. So let's name them. So this is P wave, this is Q, this is R, this is S. P, Q, R, S. And here it is named as T. P, Q, R, S, T. Clear? So, like this, many structures are formed per minute. Like this. So, let's understand which portion of the graph represent. So, from here, means from P region, depolarization starts. Here, from the point P, depolarization of atria occurs. Clear? This is P represents depolarization of atria. And QRS represents the depolarization of, sorry, contraction of ventricles. P represent the depolarization and the QRS represent the contraction of ventricles. Clear? So this initiates the contraction of ventricular muscles. Now let's understand. You know that when the artery get relaxed, when it, jab artery relax ho jata hai, expand ho jata hai, to blood kahan jata hai? Lower chamber mein. और जब ब्लड लोअर चैम्बर में जाएगा और ज्यादा हो जाएगा तो लोअर चैम्बर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड पंप होगा. तो यहाँ पे यही हो रहा है. पी जो पॉइंट दिखा रखा है यहाँ पे, हमारी हार्ट बीट ऐसे होता है. अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट पी आएगा, इसका मतलब ये अब आर्टरी डिपोलराइज हो गया. ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. मतलब एक हम काउंट करेंगे इसको, इसको और इसको मिला के हम कितना काउंट करेंगे, वन. फिर सेम यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा दूसरी, फिर यहाँ से हो जाएगा तीसरी. तो ऐसे ही घड़ी देख के जो हम यूज करते हैं कि कितनी बार ये हुआ है. समझ में आ गया आपको? सो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QR कॉम्प्लेक्सेस इन ए गिवन टाइम पीरियड वी कैन कंफर्म दैट द हार्ट बीट पर मिनट इज either 60 or 70 or 50. So here the important part is QRS, means doctors count the QRS, means the contraction of ventricle, how many times the ventricle contracts. When the ventricle will contract, then it will pump the blood. So this will form in a normal person 72 times, means this structure or this graph is formed 72 times per minute in a normal person. But if the person is a patient, heart patient, or hypertension, having the person hypertension or low blood pressure, in that case what will happen, this graph may varies per minute. Yaad rakhna, 1 minute ke andar ye kitni baar formation ho raha hai. कंप्यूटर के ऊपर, जिसको मॉनिटर बोलते हैं हम, डॉक्टर के पास रखा होता है जब चेक करता है, इसी को देख के बता देते हैं कि हार्ट बीट इतनी बार हो रहा है, सिचुएशन अभी क्रिटिकल है. फिर क्या करते हैं, इसका मतलब जो सिनोआर्टेरियल नोड होता है वो सही से काम नहीं करता है. तब आपने देखा होगा दो इलेक्ट्रिक आयरन जैसा होता है, उसको ला के ऐसे चेस्ट के ऊपर रखते हैं तो फिर वो क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, मीन्स एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है और हार्ट बीट को इंक्रीज करता है. और जैसे हार्ट बीट इंक्रीज होता है, ऐसे जो QRS कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेशन होने लगते हैं. ठीक है? अगर एक नॉर्मल पर्सन में ये फॉर्मेशन 72 टाइम्स नहीं हुआ तो इसे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये हार्ट से रिलेटेड कोई अबनॉर्मालिटी का शिकार है या फिर इसमें कोई अबनॉर्मालिटी है. समझ में आ गया आप लोगों को? सो here the P represent the depolarization of atria. This is the most important line, nothing to be understand more in this topic. बस आप
आपको ये याद रखना है कि P क्या है, QRS क्या है। फिर से दोबारा से जब T के पास आएगा तो T के पास आते क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, T पे क्या होगा, T पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स टू द नॉर्मल स्टेट। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आता है पेपर में, ऐसे ग्राफ दिया होगा और बोलेगा इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करो। तो आपको क्या रिप्रेजेंट करनी है, ये ग्राफ बनानी है। और जैसे कि मैंने बोला जिसका हार्ट बीट कम होता जाएगा तो लास्ट में एक साउंड करेगा ऐसे करके, पी 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 ऐसे ऐसे करके एक साउंड करेगा, मीन्स तब क्या होता है वो पर्सन का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी वेव जहां पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे टी वेव कंप्लीट हो गया, फिर से यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ पी, यहाँ पे फिर से पी, यहाँ पे क्यू, फिर आर, फिर एस, क्लियर। फिर यहाँ पे शुरू हो गया टी, फिर यहाँ से शुरू हो गया पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, ऐसे जाएगा। और जब टी पे जब खत्म होता है तो यहाँ पे क्या होता है, टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, मीन्स यहां पे जब पहुंच जाएगा टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। आपको पता है सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यहां पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था और इसका असर कहां तक रहा, एस तक। फिर टी पे जब पहुंच जाएगा फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, फिर शुरू होगा दूसरा। तो टी रीजन पे पहुंचने का मतलब यही है कि ये सिस्टोल का एंड हो गया, मतलब स्टार्ट हुआ बी से, एंड हुआ टी पे। तो ये जो कंप्लीट ये जो ग्राफ है इसको एक काउंट किया जाएगा। क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ईसीजी एंड दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर स्टडी, दैट इफ समवन फॉल इल इन योर फैमिली एंड इफ यू टेक दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए हो और वहाँ पे मॉनिटर पे उसका हार्ट बीट चल रहा है और डॉक्टर नहीं है, बाई चांस डॉक्टर नहीं है, तो आप वहाँ पे बैठे हो और आप घड़ी देख के, आपकी घड़ी देख के काउंट कर सकते हो कि एक मिनट में ये जो हार्ट बीट है, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स बना था, ये कितनी बार बन रहा है। आप खुद उसको नोटिस कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। अगर 72 टाइम्स या 70 टाइम्स भी होता है तो ठीक है, पर अगर हर मिनट एक एक मिनट के बाद अगर इसकी काउंट डिक्रीज होता गया तो इसका मतलब क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था कहाँ, सिनो आर्ट्रियल नोड में, वो नहीं हो रहा है। मतलब ये धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, डॉक्टर और कुछ जुगाड़ करेगा कि कैसे इसका हार्ट बीट को बढ़ाया जाए, या फिर अगर नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, दूसरे किसी डॉक्टर के पास रेफर कर देता है या फिर हाथ खड़ा कर देता है, ये हमारी बस की बात नहीं है, इसकी हार्ट बीट तो डिक्रीज हो रही है। तो ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कॉमन बात है डे टू डे लाइफ में याद रखने के लिए, कि जब आप कुछ भी देखते हो कि ये क्या है, ये निशान क्या है, ये सिंपली ये जो निशान है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल है और इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं और ये एक मशीन है, इस मशीन के थ्रू हार्ट की मॉनिटरिंग किया जाता है, किस बेस पे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे हार्ट मसल्स का कितनी बार एक्साइटेशन और रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन हो रहा है, सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड वी विल स्टडी अबाउट डबल ब्लड सर्कुलेशन इन आवर नेक्स्ट क्लास।